चैनल जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि हम जनवरी में कोची जाएंगे, तो हम फाइनली कोची आ गए हैं। और ये व्लॉग जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जाएंगे एलपी। दरअसल हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो हम लोग पास में एयरपोर्ट के होटल पर रुके थे। पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये होटल है। अब मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे यहाँ से एलपी के लिए, जो कि अराउंड 80 किलोमीटर्स पड़ता है यहाँ से। हमने कैब हायर करी है क्योंकि हम लोग टोटल 7 लोग हैं। फिर उसके बाद जाएंगे एलपी। एलपी में हमने कुछ प्लान कर रखा है, तो हाउस बोट्स करेंगे। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अगर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसका जवाब दे सकते हो, चाहो तो गूगल कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। तो सवाल ये है कि दो बाप और दो बेटे, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, दो बाप और दो बेटों ने मिलकर 3 आइसक्रीम ली, पर फिर भी सबने पूरी पूरी आइसक्रीम खाई, बताओ कैसे? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो चाहो गूगल कर लो और वीडियो को देखते रहो। आगे इस वीडियो में मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा। तब तक हम चलते हैं एलपी के लिए। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच गए एलपी, और एलपी में हमने पहुंचते सबसे पहले करी है एक हाउस बोट, छोटी सी हाउस बोट जहाँ पे हम जा रहे हैं। 3 घंटे का इसका ड्राइव है, और 3 घंटे में ये लोग हमें कुछ पॉइंट्स पे लेके जाएंगे। ये काम है टू द कैमरा। हेलो हेलो, हाय एलपी, एलपी स्टार्टेड। हम एलपी में, एलपी यार, ये है हमारी हाउस बोट जिसको हमने हायर किया है, और अभी हम लोग रुके हैं, पीछे रेस्टोरेंट है यहाँ पे कुछ खाने के लिए, लंच करने के लिए। तो लंच में ये लोग हमसे फिश चूज करवा रहे हैं जो हमें खानी है, वो देख लेते हैं। ब्लैक फिश है। तो यार ये रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाने आए हैं। ईगल मिली हमें, आजा। ईगल आ गई है भाई। अबे आँख मार, फिश खाते खाते मेरे पास आ गई है। आजा हाथ पे आजा, मैं लेके चल सकता हूँ इसको, मेरे ऊपर बैठा हुआ है ये, कुछ करना दियो। अब वो थोड़ा दूर जाने, ये देखिए तो सॉफ्ट है। डोंट Look at the nails. बहुत काम है। बस बस बस, हाथ नहीं लगाओ यार, उसने बोला मेरी आइस के पास मत आओ। उसने बोला हाथ नहीं लगाओ, उसकी आइस सुंदर है। ये तो ऊपर चढ़ गया। अभी ये हटेगा कैसे? आपका हाथ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं पकड़ना, बंद नहीं लगता है। चल शोल्डर पे रखा ले, शोल्डर पे, शोल्डर पे, शोल्डर पे। विल नॉट डू एनीथिंग। अरे शोल्डर पे रख ले।
तो भाई खाना पीना हमारा हो गया, फिश खाई, बहुत बढ़िया फिश थी। हमने थाली ली थी 100 रुपीज़ की, वो भी बहुत थी। अब हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। यार ये जगह बड़ी बेकार है अंदर घुसने की, यार मैं यहाँ से घुस रहा हूँ। अरे यहीं से भी यहीं से आया था, ध्यान से आइयो कहीं पानी में छपाक से आवाज़ आ जाए। बहुत ही बढ़िया जगह है यार, मज़ा आ गया। इस बार ज़्यादा मज़ा आया है, है? हाँ इस बार एंजॉय ज़्यादा किया, सुपर एकदम सुपर। अब हमें ये पता लगा है कि ऊबर इससे भी बेटर है, हम नेक्स्ट टाइम वहाँ जाएंगे। क्या जाए? पुअर 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 ट्रिवेंडर, नेक्स्ट टाइम वहाँ देखेंगे। बोर्ड देख, वो देखो बोर्ड, एलीपी सुपर, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई हमें पड़ी है 3000 रुपये, 3000 रुपये में हम 7 बंदे इसमें निपट गए, 3 घंटे का टाइम था। हमने 1000 रुपये घंटा, इसमें से हम 1 घंटे की भी लिख सकते पर हमने 3 घंटे चुना, और उसमें आधा घंटा तो हमने लंच में ही बिता दिया। व्यू बहुत अच्छा था, पहली बोट है जिसको हमने ओवरटेक किया है। तो यार अब हम लोग पहुंच गए अपने होटल में जहाँ हमने स्टे रखा है अपना, ये रहा। बहुत रिसर्च करने के बाद मिली ये जगह। साइकिलिंग भी है यहाँ पे, टेबल टेनिस, स्कूटी एंड बाइक्स भी रेंट पे मिल जाती है, अच्छी अच्छी ग्रैफिटी बना रखी है। तो यार ये हमारा होटल, एक तरह से ये हॉस्टल है, और हमने इसे ऑफलाइन बुक किया था, ऑनलाइन की जगह सस्ता पड़ा हमें। व्यू देख लो आप, ये व्यू है, ये है हमारा रूम, एक रूम ये मिला है हमें, एक रूम ये है, और इसकी की मेरे पास है। ये हमारा रूम, यार इसी चलाओ यार, अभी चलाए थे, अभी तो आए हैं। होटल के मामले में हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी, 1200 रुपये पर रूम, और ऑनलाइन ये हमें कितने का दिखा रहा था, 1900 रुपये पर रूम दिखा रहा था। हम यहाँ पे आए, इन्होंने पहले हमें 1500 पर रूम के हिसाब से बोला, फिर हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी तो 1200 पर रूम के हिसाब से हम आ गए आराम से। विद ब्रेकफास्ट है जिसमें सुबह इडली सांभर डोसा मिलेगा हमें, ठीक है और कैसी है। अब मैं आपको लेके चलता इसकी बालकनी पे, ये देख लो आप, ये देखो झूला, ये रही हमारी कार, ये ऊपर से व्यू है, ये बोट्स जहाँ चलती है वो एरिया है, ये जारी बोट, मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे, एक बात तो है। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि 2 बाप और 2 बेटे मिलके 3 आइसक्रीम लेते हैं और हर कोई एक एक पूरी आइसक्रीम खाता है, वो कैसे। तो यार इसका जवाब ये है कि
जो दो बाप और दो बेटे हैं, उनमें से टोटल ये लोग तीन लोग हैं, जिसमें से एक है बाप, एक है दादा और एक है उसका बेटा। तो एक दादा हो गया, इसका बेटा हो गया, अगर उसका बेटा हो गया तो जो सबसे छोटा है उसके लिए उसका बड़ा सेकंड वाला उसके पापा है, और जो दादा है वो पापा के लिए पापा है। तो दो पापा हो गए, उसी तरह से दो बेटे हो गए, ग्रैंडफादर का बेटा फादर हो गया और फादर का बेटा सन हो गया। तो इस तरीके से तीन लोग थे लेकिन रिलेशन चार बने, तो इसलिए उन्होंने तीन आइसक्रीम पूरी तरह खाई। तो अभी हम करते थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप टू एलेपी। भाई सब बहुत मज़ा आ रहा है, ये सब चीज़ें ही तो एंजॉय करने आए हम एलेपी। क्या नज़ारे, वाह वाह। आज खेलते क्या, पकड़ 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 पकड़। जीत गया, मैं जीत गया। छक्का ही मार दे तुमने तो। तो यार ये हमारा होटल जहाँ हमने स्टे किया था, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हाउस बोट चलती है। इसका लैंडमार्क ये कि ये पेट्रोल पंप है यहाँ। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हाउस बोट खड़ी है, यहाँ से बुक हो जाती है, ये चल रही है, यहाँ खड़ी है, ये जा रही हाउस बोट। सही लोकेशन मिली हमें एकदम, जहाँ से हाउस बोट स्टार्ट होती है बिल्कुल उसके पास में है। ये यहाँ पे नहलाने का तरीका है इनको, ये देखो, वेलकम बैक है। स्माइल कर रहा है, मज़ा आने लग गया इसको। तो इसको बोल रहा है राउंड राउंड घूम, आ जा भाई। यार ये बहुत बढ़िया तरीका है आपने अपने पेट्स को नहलाने का, पकड़ के फेंक दो, वो एंजॉय कर रहा है वो भी अपना, वो भी एंजॉय कर रहे हो दे। लोग यही नहा लेते हैं। तो एलेपी का जो बैक वाटर है वो यही है, ये देख रहे हो आप, पूरी एक नदी सी बना रखी छोटी सी। अब हम लोग निकलने वाले एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि दो चार जगह हैं जो हम कवर कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे दो चार जगह कवर करने की, उसके बाद निकले एयरपोर्ट के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार फाइनली हम लोग आ गए कहाँ, मरारी बीच। 20 किलोमीटर था हमारे होटल से और ऑन द वे था। तो यार अगर एलेपी में गोवा के मजे लेने ना तो तुम यहीं आ जाओ यार, क्यों एक दिन मरारी बीच पे रुक जाओ। हाँ यहाँ पे एलेपी में हाउस बोट कर लो, फिर थोड़ा एयरपोर्ट के रास्ते में आपको मरारी बीच मिल जाएगा, मरारी बीच चल लो, वो कितना साफ सुथरा है। ये एक तरह से सस्ता गोवा है, बियर तो हम पीते नहीं तो सेवन अप तुम देख लो, शरीफ लोग हैं। इतना बढ़िया शॉट है, नहीं जाएगा ये वापस आ जाएगा। तो भाई लोग अभी हुआ ये कि शॉट ले रहा था मैं पानी के, और गोप्रो अंदर ही चला गया, तो मेरे को कूद के जाके गोप्रो को निकालना पड़ा। ये देखो जूते वगैरह सब गीले हो गए, पैंट भी पूरी गीली हो गई। अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी पे, शूज़ चेंज करने पड़ेंगे, चप्पल पहन के एयरपोर्ट जाना पड़ेगा।
तो यार इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं।